मैं आर के एक्टिंग एकेडमी में मैं मेकअप सिखाता हूँ मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गुप्ता और मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और आ, मैं करीबन नहीं कुछ तो चौदह साल से हूँ इस लाइन में फिल्म इंडस्ट्री में और मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ काम किया मैंने तो चौदह साल के एक्सपीरियंस में तो मैंने काफ़ी मूवियाँ की काफ़ी सीरियल्स किए लेकिन मुझे ऐसा लगता है गिनती भी नहीं है मेरे को तो लेकिन फिर भी मैंने दो चार सीरियल का नाम आपको बता देता हूँ जैसे मेरी स्टार्ट हुआ था तो एक मराठी सीरियल था आ, वो सीरियल का नाम था अड़ी अचानक उसके बाद वो शो मेरा छुटा फिर उसके बाद सपने सुहाने लड़कपन के एक सीरियल आया था उसमें मैंने काम किया फिर उसके बाद वो सीरियल मैंने छोड़ बंद हुआ उसके बाद लापतागंज करके एक सीरियल आया था फिर वो किया मैंने सब चैनल का फिर उसके बाद सब सजन घर जाना है सजन घर जाना एक सेशो आया था वो शो किया मैंने ऐसे करते 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 मैंने एक राबी सीरियल आया था बिग मैजिक पे वो भी मैंने किया खुद उसके बाद काफ़ी सारे सीरियल किया मेरे को खुद को इससे गिनती नहीं है उसके बाद मूवी में मेरे को काफ़ी काम मिलने लगे मूवी का नाम है एक तो मैंने अभी रिसेंट अभी रिसेंट करके आया लॉकडाउन के अंदर प्रेमा आ, अल्ट बालाजी पे रि, आ, रिलीज हुआ है अल्ट बालाजी पे और अभी रिसेंट करके आया रिसेंट पर वापस करने जा रहा हूँ फिर उसके पहले भी मैंने हिंदी मूवी किया है भोजपुरी मूवी किया है अभी तमिल करने जा रहा हूँ अगले नेक्स्ट मंथ में तमिल में मूवी है नाम नहीं शेयर करूँगा क्योंकि ये गोपनीय है और अभी जो हमने आमिर खान के बेटे के साथ फिल्म कर रहे थे महाराजा महाराज सॉरी महाराज फिल्म थी आमिर खान के बेटे के साथ हमने फिल्म कर रहे हैं महाराज उसमें 20 दिन का शूटिंग और बाकी है बाकी कंप्लीट हो गई है शूटिंग तो अभी देखो वापस शूटिंग का डेट कब तक चल चालू होता है अब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो शायद शूटिंग का डेट पड़ जाए तो हम लोग चालू हो जाएगा शूटिंग जो नामदार हैं मैंने मेरे लाइफ में एक विवेक ओबराय जी का मैंने पहले फर्स्ट मेकअप किया था जब मेरे स्टार्टिंग फर्स्ट सेलिब्रिटी मेकअप था मेरा विवेक ओबराय जी का मेरे पास शायद फ़ोटो भी होगा <laughs> उसके बाद आ, आ, वैष्णवी जी का भी मैंने मेकअप किया फिर सपने सुहाने में तो मैंने ऑलमोस्ट सब सेलिब्रिटी का मेकअप किया मैंने और उसके बाद जितने मैंने सीरियल बताया तो सारे सीरियल में तो मैं ही करता था मेकअप नाम तो मेरे को याद भी नहीं होते हैं लेकिन okay. <laughs> तो अपनी सोच है अगर मेकअप करना है लिटरली तो सीखना तो पड़ेगा ही सीखना तो पड़ेगा ही उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा आपको कहीं पे भी कोर्स कर लो कोर्स तो करना ही पड़ेगा आपको हाँ मैं आर के एक्टिंग एकेडमी में मेकअप सिखाता भी हूँ और आ, सिखाने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको मैंने काम भी दिखाता हूँ सिखाता भी हूँ वहाँ पे भी दिखा के और बताता भी हूँ समझाता भी हूँ कि भाई नहीं ऐसा ना ऐसा करो ऐसा करो ऐसा खड़ा होने का सब सारी चीज़ें है सबसे पहला तरीका होता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तरीकएँ है होते हैं कैसे खड़ा होना है कैमरे के पीछे रहना है ये किसी से वो ये नहीं ज़्यादा नहीं आर्टिस्ट खड़ा है तो उसके साथ में कैसे उसको हैंडल करना है उनको ध्यान देना होता है अगर पाप पर्सनल में कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा मतलब फोकस होता है कि कुछ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर पूरे फोकस उनके ऊपर ही होता है तो ऐसे चलते रहता है सिलसिला तो आदमी धीरे धीरे सीख के उसके बाद ही आगे आगे बढ़ता है धीरे 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 करके मैं दर्शकों को दिखाऊंगा मेकअप किट और इधर हमारा किट है मैं मेकअप करते हुए आर्टिस्ट का दिखाऊंगा और आपको देखने के लिए मिलेगा ज़रूर मिलेगा मेकअप कैसे होता है क्या होता है रिजल्ट क्या आता है बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप सब चीज़ें सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे आर के एक्टिंग एकेडमी चैनल पे आपको देखने के लिए ये सब सारी वीडियोस मिलेंगे आप देखेंगे फिर समझ में आएगा आपको और आपको काम भी मिस अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख भी सकते हैं और सीखने के बाद हम उस आपको काम भी देंगे काम भी दिलाते भी हैं हम साथ में लेके जाते भी हैं शूटिंग पे शूटिंग भी दिखाते हैं शूटिंग सारी चीज़ें कैसे खड़ा होना है क्या करना नहीं करना सारी चीज़ें हम बताते हैं और हम काम करने के लिए भी हम ये करते हैं आप सेलिब्रिटी को कि भाई चलो मेकअप करो हम वो भी हम अफोर्ड करते हैं